गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपकी शिष्य हूँ गुरुजी। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने जब से आपसे गुरु नाम लिया है और इस राह पर चली हूँ, तो मेरी एक पुत्री है, पुत्र नहीं है। कहते हैं कि पुत्र होना चाहिए, हर किसी के मुँह से यही सुना जा रहा है, तो क्या गुरुजी ये पुत्र होना क्या पुत्र होना चाहिए? हाँ, पूछ रहे हैं। पुत्र होना बहुत जरूरी है क्या? कि पुत्र होना ही होना तो ही बताओ, मीराबाई के पुत्र का नाम क्या है? है ही नहीं उनका तो पुत्र। फिर तो क्या मीराबाई को ये नहीं पता था कि पुत्र होना ही चाहिए? हाँ पता था ना गुरुजी। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, शायद नहीं ही जरूरी हो। क्योंकि जरूरत नहीं है। आपका उद्धार, आपका कल्याण पुत्र से नहीं होगा, भगवान की भक्ति से होगा। तो मीराबाई ने भगवान में मन लगाया तो आज तक उन्हें लोग जानते हैं। हाँ, और कितनी महिलाएं हैं जिनके 6-6 10-10 बच्चे हैं, उन्हें कोई नहीं जान रहा है। मीरा को एक भी बच्चा नहीं है, सब जानते हैं। और आपके पड़ोस में 6-6 बच्चे वाले भी हैं, कोई नहीं जानता। बच्चों से आपका लोक परलोक ना सवरेगा, आपके अच्छे कर्म से आपका परलोक सवर जाएगा। आपका यश कीर्ति सदा आपके ना रहने पर भी झांसी की रानी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, तुलसीदास जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, सूरदास जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया। उन्होंने खुद को, अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि उनकी अच्छाई की खुशबू आज तक सारे समाज में है। जी गुरुजी। इसलिए बेटे की जरूरत नहीं है जी, अच्छे कर्मों की जरूरत है। गुरुजी मन में संशय थी क्योंकि पति को भी ऐसा होता है कि होना बेटी चाहिए। तो है ना, बेटी है तो मैंने उनसे पूछो जिनकी बेटियां भी नहीं है। हाँ गुरुजी। वो चाहते हैं कि बेटी हो जाए, इसलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो कि लोग क्या कहते। गुरुजी यही बात मैंने अपने पति को भी समझा दी है कि आगे का, तो आगे तो मैंने बोला जिनको अपन ने अपना भगवान और अपना पुत्र मान ही रखा है। जो आपकी बेटी है। हाँ गुरुजी। उस बेटी का जो बेटा होगा। हाँ। वो बेटा हमारा सब कुछ कर सकता है। आपका सब कुछ कर सकता है, आप उसे गोद ले सकते हैं। अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी, मतलब कोई गलत नहीं है अगर हम नहीं वो कर सही है, वो सही है। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहिए महाराज जी। राधे राधे जी। महाराज जी मैं शिवरी नारायण क्षेत्र छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं पुरोहिती कर्म करता हूँ, मेरे बाप दादा करते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है एक चौपाई, पौरोहित्य कर्म अतिमंदा, वेद पुराण समृद्ध कर निंदा। तो कभी कभी मन में ये शंका हो जाती है कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो करते रहिए। तुलसीदास जी ने उनके लिए लिखा है जो अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते जी, जो ईमानदारी से करते हैं। आप अपना कार्य जब करेंगे ईमानदारी से तो आपको तो उसका फल मिलेगा ना जी। जी। और ब्राह्मण कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा जी। जी। इसलिए आप अपना कर्म कीजिए ईमानदारी से, किसी के साथ छल कपट ना हो बस। महाराज जी लेकिन कई संतों को मैंने सुना है कि पौरोहित्य कर्म करने से ब्राह्मणत्व छीड़ होता है, ऐसा बोलते हैं। बोलो, शास्त्रों ने महापुरुषों ने सही तो नहीं माना जी। जी। पर फिर भी जीविका चलाने के लिए ये कार्य करना पड़ता है कुछ लोगों को जी। तो यदि आपकी जीविका उसके बिना चल जाए तो आप जो कार्य कर सकते हैं वो करिए, नहीं तो आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर कीजिए जी। तो इसे मतलब ब्राह्मणों छीड़ ना हो या दोष ना लगे, इसके लिए कुछ उपाय? इसके लिए आपको संध्या करनी चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए जी, और आपको भगवान के आश्रित रहना चाहिए जी। जी। जो भगवान के भरोसे हैं जी, वो चाहे कुछ भी है, कैसे भी हैं, भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति जी, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। तो ईश्वर के अधीन रहिए, भरोसा भगवान पर जी। जी, जी। धन्यवाद।